और बीकानेर के छतरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहकारी समिति चुनाव में विवाद हो क्या है, आपको बता दें एक पक्ष ने सोसाइटी के ताला लगाया, चुनाव लड़ने वाले दोनों पक्षों में तनातनी। मौके पर पहुंचा छतरगढ़ पुलिस का जाब्ता, सोसाइटी चुनाव के होने थे नामांकन दाखिल, मौजूदा व्यवस्थापक को सस्पेंड करने की ये मांग। सहकारी समिति चुनाव में विवाद, जहां एक पक्ष ने सोसाइटी के ताला लगा दिया है, आपस में तनातनी देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधा बीकानेर के छतरगढ़ से तस्वीरें आप देख सकते हैं, चुनाव लड़ने वाले दोनों पक्षों में तनातनी। सहकारी समिति चुनाव में विवाद, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीकानेर से वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, सहकारी समिति चुनाव में विवाद देखने को मिला, जहां एक पक्ष ने सोसाइटी के गेट पर यहां पर ताला लगा दिया है, लगातार तनातनी देखने को मिल रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल दीपिका, सोसाइटी के चुनाव होने हैं छतरगढ़ में और आज इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था, जहां पर तमाम लोग सुबह से ही जुट गए थे और नामांकन प्रक्रिया आज सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी, परंतु उससे पहले ही एक गुट ने इस बात का व्यवस्थापक पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो वोट है उसके अंदर हेराफेरी की है और वहां पर एक पक्ष की कार्रवाई की है। इसको लेकर सोसाइटी के गेट पर ताला जड़ दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, सोसाइटी से संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे, उपकरण अधिकारी और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों में तनातनी हो गई थी, उसे एक बार की प्रशासन ने शांत करवाया और जो फिलहाल जो चुनाव प्रक्रिया है उसे अब स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ है, तनातनी आपस में हुई है और उसके बाद में प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ा कि फिलहाल चुनाव यहाँ करवाए जाने न्यायोचित नहीं होंगे और तनाव जो है उससे बचने का यही एक तरीका है, इसलिए फिलहाल चुनाव जो है स्थगित कर दिए गए हैं। परंतु जो दूसरा पक्ष है उनका ये कहना है कि प्रशासन ने सत्ता के दबाव में और प्रशासन जो है वो लगातार एक पक्ष की आड़ में जुट गया और उन्होंने चुनाव को निरस्त करके एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। जी रवि, लगातार देखा जाए तो सहकारी समिति चुनाव में विवाद देखने को मिल रहा है, आपस में एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है रवि? निश्चित रूप से आगे जो है इस चुनाव को लिए एक बार की स्थगित कर दिया गया है, दूसरा पक्ष जो है निर्णय स्थगित किए गए हैं, निर्णय को हो सकता है चुनौती दे और उसके बारे में अपना फैसला करवाए, परंतु शासन जो है वो शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों में जो झगड़ा न हो और शांतिपूर्ण मतदान हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मतदान हो, इसके लिए इस तरह के रास्ते है वो निकालता है। तो फिलहाल आज प्रशासन का ये रास्ता सामने आया है, जहाँ चुनाव को निरस्त करके दोनों पक्षों को शांत करवाने की प्रक्रिया जो है वो की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बीकानेर के छतरगढ़ में सहकारी समिति चुनाव विवाद मामला यहां पर हुआ, जहां एक पक्ष ने सोसाइटी के ताला लगा दिया है, फिलहाल के लिए जो चुनावी प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया गया है।